हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओवर चैनल। भारत की लीडिंग राइड हेलिंग कंपनी ओला ने अपने लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला सोलो को पेश किया है। सोलो को भारत का पहला ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक स्कूटर कहा जा रहा है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर अपनी पूरी तरह से ऑटोनॉमस कैपेबिलिटीज और एडवांस AI टेक्नोलॉजी के साथ अर्बन कम्युनिटी को बदलने का वादा करता है। फिलहाल इसकी लॉन्चिंग या कीमत को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह एक प्रोटोटाइप है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड सोलो पूरी तरह से ऑटोनॉमस और ट्रैफिक सेवी स्कूटर है। इनोवेटिव जुगाड़ एडॉप्टिव एल्गोरिदम से पावर्ड ये स्कूटर अपने हर राइड से सीखता है और एक स्मार्ट और ज्यादा एफिशिएंट ट्रेवल एक्सपीरियंस सुनिश्चित करता है। इसके अलावा इसमें दिया गया इन हाउस चिप LMA 09000 शहर की सड़कों पर सहजता से नेविगेट करने के लिए रियल टाइम ट्रैफिक डेटा का उपयोग करता है। ओला के को फाउंडर भावेश अग्रवाल ने सोलो के लॉन्च की घोषणा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है और इससे इलेक्ट्रिक स्कूटर के सेक्टर में एक माइलस्टोन बताया है। उन्होंने राइड हेलिंग और लोकल कॉमर्स में एक आदर्श बदलाव का संकेत देते हुए इसकी ऑटोनॉमी AI कैपेबिलिटीज और डेली कम्यूट में सिमलेस इंटीग्रेशन पर जोर दिया है। और भावेश अग्रवाल ने अपने एक्स शेयर पर शेयर किए गए अपने पोस्ट में ये लिखा है कि ये कोई अप्रैल फुल जोक नहीं है, क्योंकि वीडियो को 1 अप्रैल को जारी किया गया था। उन्होंने लिखा है कि जारी किए गए वीडियो का उद्देश्य लोगों को हंसाना था, लेकिन इसके पीछे की तकनीक कुछ ऐसी है जिस पर हम काम कर रहे हैं और ये प्रोटोटाइप बनाया गया है और ये दर्शाता है कि हमारी इंजीनियरिंग टीमें किस प्रकार का इनोवेटिव काम करने में सक्षम है। ओला सोलो मोबिलिटी के फ्यूचर्स की एक झलक है और हमारी इंजीनियरिंग टीमें 2 व्हीलर्स में ऑटोनॉमस और सेल्फ ब्लेंसिंग टेक्निक पर काम कर रही है, जिसे आप हमारे भविष्य के प्रोडक्ट्स में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये फीचर्स कैसा नहीं देखने को मिलेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे ना भूलिए, ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको ऐसी बेहतरीन नए वीडियो में।